बेलाइकन फॉर ऑल द अपडेट्स टू थाउजेंड एट में ये शो शुरू हुआ था एंड आई थिंक दैट वाज माय टेलीविजन डेब्यू और उस वक्त थैंक यू वेरी मच आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस वक्त थोड़ा सा मेरे प्रति थोड़ी सी नेगेटिविटी चल रही थी एंड आई वाज रियली रियड टू कम कमेंट शो माय ओरिजिनल पर्सनालिटी ऑन दस का दम बट एन आई सेड कि चलो आई जाते हैं दस का दम पर टीवी पर आ ही जाते हैं बिकॉज़ मुझे ऐसा लगा था कि टीवी का जो एक पावर uh, है ये जो मीडियम है आई थिंक इज़ द मोस्ट पावरफुल मीडियम दैट वी हैव जिसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन अब क्या करें सो आई वॉज़ रियली रियली स्टेड एंड आई आस माई फादर कि जाऊँ ये करूँ क्योंकि इसके अंदर कॉमन मैन होगा मैं हूँगा और यू नो एम जस्ट रियली कैर ऑफ मी, ऑफ बींग आई एम इस बी दिस इज व्हाट यू आर दिस इज अगर एक्सेप्ट होता है तो बहुत अच्छा अगर नहीं होता है तो फिर अपने आप को बदलो इट मेक् सेंस टू मी आई रिमेंबर द फर्स्ट एपिसोड दर अ डेड ऑफ दस का दम ऊफ ज़ रिलीजिंग इतना टेंशन था इतना टेंशन था कि अरनों के पर्दे पर तो एक्सेप्ट हो गए हैं अब वो लिखे हुए डायलॉग्स होते हैं यू नो स्क्रीन प्ले डायलाग्स यू नो सपोर्टिंग कास्ट यू नो डायरेक्टर डट वन मो यू हैव द बेस्ट ऑफ द डी ओ पीज एंड यू इन द कैरेक्टर तो नेगेटिव कैरेक्टर खेल लो पॉजिटिव कैरेक्टर खेल लो वो पता है लोगों को एक पिक्चर है बट जब टी वी पर जब आते हो एंड यू नो कि ये इम्प्रोम टू चल रहा है ये आदमी की खुद की सोच है ही सेइंग ऑल दी थिंग्स हिम सो दैट इज़ व्हेन योर पर्सनैलिटी कम्स आउट जैसे कि आपने देखा होगा दस का दम या इवन दर्लीस्ट शो दैट आई हैव डन इट इज हु आई एम इन रियल लाइफ दैट इज़ वॉट आई एम ऑन टी वी सो आई लाइक दैट फॉर माइन आ लाइक इट इवन मोर बिकॉज क्योंकि लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया द वे आई एम हाओ आई एम दे गॉट टू नो द रियल मी इनफैक्ट मैं पनवेल से आई रिम्बर कि मैं पनवेल में शूटिंग कर रहा था वॉन्टेड की एक एक्शन सिक्वेंस के लिए एंड देन माई बॉडी शॉट्स और कमिंग अप तो मैं पनवेल से फार्म हाउस सबरे फार्म से फार्म हाउस चलते हुए गया आई हैव नवर सीन दिस जब से मैंने प्यार किया रिलीज़ हुई तब से वो फार्म हाउस है हमारे पास बट वन ओल्ड लेडी केम आउट एज से हे बगा दस का दम एंड आफ्टर दैट जो हमारी मोबाइल फ़ोन की जो कनेक्टिविटी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि दो एट किलोमीटर्स ऑफ दैट रन दैट होल विलेज द स्मॉल स्मॉल विलेजेज़ ऑफ यू नो ट्वेंटी हाउसेज ट्वेंटी फाइव हाउसेज़ ऑल आउटसाइड एंड सेंग दस का दम दस का दम दस का दम तो पहले तो बहुत अच्छा लगा उसके बाद ये एहसास हुआ कि मैंने प्यार किया भूल गए प्रेम भूल गए समीर भूल गए राजा भूल गए हर चीज़ भूल गए करण तक के भूल गए और करण अर्जुन लेकिन उनको मेरा नाम याद हो गया और दस का दम का नाम याद हो गया इज द पावर ऑफ द मीडियम तो जब मैं कभी कभी किसी को बोलता हूँ कि यू मस्ट डू टी वी तो देर लुक अपन टी वी एज ये क्या टी वी करें यार हमको ये गलत एडवाइस दे रहा है वैसे जब मैं खुद टी वी कर रहा हूँ तो आपको क्या दिक्कत है टी वी करने में वैन यू टुक अप दो डिड यू सी योर ओल्ड अपीसोड आई मीन हाउ मच है I Apart from looking <coughs> much better. I've not seen that, but I... Um, today when I asked, I said, are you showing any of the clippings of the old episodes? And um, our creative um, team, um, Sujata, she forgot. I told her. I said, hey, uh, I told... Uh, uh, um, uh, so Because I myself want to see just clippings and <coughs> stuff of the early episodes, but I couldn't get to see them. But... <coughs> So when I did the first episode, the mock, you know, everyone quite liked it. So but we will do that one through. But did you remember everything, the format, or was it you just? You know, got the amazing the thing of the earlier uh, the first and second season was that I used to come on stage, we did an RK studio, I used to come, do my bit, and then when I used to see the episode I say, kab, bola kab hua?" So there was no recollection of it. Means In the same coming week. that was strange. वीक was really, really strange because I didn't know के ये कब कहा गया है ये कब बोला है इन्होंने क्या uh, मैंने क्या सवाल पूछा था इन्होंने क्या बोला मैंने उसका जवाब क्या दिया nothing.